नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। क्या आपने कभी स्कूल के दिनों में गाय पर निबंध लिखा है? क्या आपको अभी भी गायों के बारे में नॉलेज है? तो आप एक ऑनलाइन परीक्षा देकर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मोदी सरकार अब गायों की परीक्षा आयोजित करने वाली है। दरअसल केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधीन आने वाली राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस परीक्षा का आयोजन करेगा। ये परीक्षा नेशनल लेवल पर ऑनलाइन होगा और देश में गौ विज्ञान पर इस तरह की परीक्षा देश में पहली बार ली जा रही है। तो वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह की परीक्षा क्यों ली जा रही है। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से देश में कई कोनों से गौ हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते देश में हिंदू समुदाय के लोगों की आस्था आहत हो रही है। इस परीक्षा का यही उद्देश्य है कि देश के लोगों को गौ माता के लाभों और उनकी पवित्रता से आज की नई पीढ़ी को परिचित कराया जा सके। तो वहीं 25 फरवरी को इसकी पहली ऑनलाइन परीक्षा होने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सिलेबस में कहा गया है कि कई सालों तक हर दिन हजारों जानवरों को काटे जाने से मरते हुए जानवरों की चीख से दर्द की लहरें पैदा होती हैं और इनका चट्टानों पर बेहद असर पड़ता है, जिसके चलते भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गाय के गोबर से हानिकारक गैसों को बेअसर होने के दावा को करते हुए उन्होंने कहा है कि 1984 में भोपाल गैस लीक में 20,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन गाय के गोबर से लीपे गए घरों में इसका कोई असर नहीं पड़ा था। सिलेबस में यह भी कहा गया है कि देसी गाय बलशाली होती हैं और इतनी बुद्धिमान होती हैं कि गंदी जगहों पर नहीं बैठती, जबकि जर्सी गाय आलसी होती हैं और उन्हें बीमारी होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जर्सी गाय हाइजीनिक नहीं होती, जिसकी वजह से वो संक्रमण को जल्दी आकर्षित करती हैं। जब भी कोई व्यक्ति देसी गाय के नजदीक आता है तो वह तुरंत खड़ी हो जाएंगी, जबकि दूसरी गाय कोई भावना नहीं दिखाती हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा में परीक्षार्थियों से सिलेबस में आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राइमरी, मिडिल क्लास, स्कूल, सेकेंडरी और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग कैटेगरी की परीक्षाएं होंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा पास करेंगे उन्हें गाय विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यों के शिक्षा मंत्री, सभी राज्यों के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, जिला शिक्षा अधिकारी, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, मीडिया, एनजीओ और गौ दानकर्ता भी इस अभियान में शामिल रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार की इस मुहिम से समाज में कोई परिवर्तन आएगा? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।